हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड यू आर वॉचिंग 3D मैक्स ट्यूटोरियल विद अभिषेक। सो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एवेस स्टूडियो कैसे यूज़ करना है 3ds मैक्स में। और वेल, मैं आपको बता दूं, मैंने काफ़ी दिनों बाद ट्यूटोरियल्स डाला है क्योंकि गाइस मैं यहाँ पे अभी मुंबई में हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में जॉब कर रहा हूँ एज अ 3D एनिमेटर आईडियाटिस कंपनी में। तो यहाँ पर मैं आपको जितने भी वीडियोज़ अब बनाऊँगा वो मुंबई से ही बनाने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको कोई परेशानी ना हो क्योंकि मैं यहाँ पर लेट में वीडियोज़ डाल रहा हूँ। सो चलिए, कोई नहीं, अभी मैं रेगुलर ट्राई करूँगा वीडियोस डालने की। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एवेस स्टूडियो को कैसे यूज़ करना है एज अ 3ds मैक्स में। ये खाली आर्किटेक्चर डिज़ाइन विजुलाइजेशन के लिए है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे इंस्टॉल करना है आपको ट्री, कैसे आपको जनरेट करना है एक प्लांट लो पॉली और हाई पॉली का। तो ऐसे ऐसे करके मैं आपको सारे बताऊंगा। इसमें एनिमेशन भी है ट्री के, जैसे कि विंड विंड जब आते हैं तो ट्रीज कैसे मूव करते हैं। सो इसमें वो सारे चीज़ें हैं और काफ़ी इजी तरीके से आप कर सकते हो, ये काफ़ी आपके लिए आसान रहेगा। तो इस वीडियो में गाइज, मैं आपके आपसे बात करूँगा एवेस स्टूडियो के बारे में कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। जहाँ पर सबसे पहले गाइज, यहाँ पर जाना है आपको 3D में, इस पर क्लिक करना है। दैन ये ऐसा कुछ खुलेगा, ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिखा है, यहाँ पे वर्जनस हैं, यहाँ पे ओल्डर वर्जन भी है, तो आपको करने होंगे तो आप कर सकते हैं। ये ओल्ड 3ds मैक्स के लिए भी सपोर्टेड है, और ये अगर न्यू वर्जन है आपको तो आपको लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने इसे डाउनलोड कर लिया, चलिए इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट टू एवेस स्टूडियो टी, ठीक है। तो अभी इसे इंस्टॉल करते हैं, यस, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट टर्म्स ऑफ द लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पे जो आपका सेलेक्ट करने के लिए कहेगा कॉम्प्रोमाइज, तो आपको दोनों ही सेलेक्ट करने हैं, देन नेक्स्ट, और यहाँ पे कहेगा सेलेक्ट 3ds मैक्स रूट फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको 3ds मैक्स का जो आपका रूट फोल्डर उसे सेलेक्ट करना है, ऑटोडेस्क 3ds मैक्स 2014, ओके। देन इसे इंस्टॉल पर क्लिक करना है, तो ये इंस्टॉल हो गया। अभी आपको 3ds मैक्स रन करना है। सो अभी गाइज, यहाँ पे आपको जाना है कॉस्टोमाइज में, कॉस्टोमाइज यूज़र इंटरफेस पे जाना है, देन यहाँ पे ओपन होगा आपका यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे देगा आपको, यहाँ पे, ठीक है, एवेस स्टूडियो टूल्स, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको इसका शॉर्टकट रखना है, जो भी आपको रखना है, अगर कंट्रोल टी बनाना है या फिर कंट्रोल एच बनाना है, कंट्रोल जी, जो भी आपको बनाना है वो आप बना सकते हो। मैं ऐसे कंट्रोल टी एज अ ट्री पे, ये मेरा ओपन होगा बार, ठीक है, कंट्रोल टी असाइन, ठीक है। और यहाँ पे टूल बार में जा सकते हैं, न्यू आप बना सकते हैं, नेम टूल बार आपका जो ऑप्शन है, ऐसे टूल बार आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, वैसे यहाँ पे साइड पे टूल बार बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्री क्रिएटर, ठीक है, ओके। और यहाँ पे सिंपली मैं अब जो मेरा एवेस स्टूडियो ट्री है, यहाँ पे मैं इसे ड्रैग कर दूँगा दोनों, ठीक है। और मैं इसे चाहे तो आप इसे सेव कर सकते हैं, इसे आप यहाँ से फिर फाइनल सिंपली लोड करा सकते हैं, ये जो आपका ट्री क्रिएटर सेव है, ठीक है। तो यहाँ से सेव कर दें और फिर उसके बाद अगर आप रीस्टार्ट करते हो मैक्स, तो यहाँ पे आप लोड करा लो इसे सिंपली, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरा ट्री क्रिएटर बार रेडी हो गया, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसे ऊपर ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं ट्री 3D पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा, ओके, ठीक है। तो गाइस, ये है एक ट्री का बार जहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे ट्री से रिलेटेड, कैसा ट्री चाहिए, कैसा पोजीशन चाहिए, एवरीथिंग इन बॉक्स के अंदर आप मॉडिफाई कर सकते हैं एक ट्री को। तो यहाँ पे पहले एक प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं और एक ट्री क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये है ट्री, ट्री प्रीव्यू। देन अगर आपको ट्री क्रिएट करना है, जैसे कि ये आपका अगर हो गया है, तो यहाँ पर बुल ट्री करेंगे तो यहाँ पर आपका ट्री बुल्ड हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और आपको बनाना है, तो सिंपली बुल्ड ट्री पे क्लिक करके देन आपको क्लिक 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 करना है, ठीक है। फिर इस ऑप्शन पे अनसेलेक्शन कर देना है, ठीक है गाइस।
तो ये लो पोली का है, और यहाँ पे और भी सारे कई ट्रीज़ हैं, ठीक है, ग्रास हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। ये लोड लिया और ये ग्रास बन गया, ठीक है, बुल ट्री, ठीक है, अब ये ग्रास हो गया। अभी आपको अगर ट्री को मॉडिफाई करना है, इसे मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, OAK, ठीक है, इस पर क्लिक। तो यहाँ पे आप सिंपली इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि ये हुआ, ठीक है गाइस। और यहाँ पे रोटेशन दिया है आपको, अगर किस रोटेशन पे करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे स्केल दिया है, स्केल अगर आपको करना है तो आप स्केल कर सकते हो। देन अगर आपको, जैसे ही आपका सारे सेटिंग्स हो जाते हैं, आपको बोल ट्री पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इसमें और भी सारे कई सारे प्रीसेट्स हैं। आपको यहाँ से अगर कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर फिल्टर से, लेकिन आपको प्रीव्यू पे ही चेक करना पड़ेगा, बुल ट्री पे नहीं, क्योंकि बुल ट्री आपका फाइनल व्यू होता है। अगर जैसे कि आपका मॉडल कंप्लीट हो जाता है या फिर एनिमेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप सिमुलेट करते हो, देन वैसे ही यहाँ पर ये चीज़ है कि आपको प्रीव्यू पे पहले चेक करना पड़ता है कलर्स आपके कौन से कलर्स हैं, देन उसके बाद आपको क्लिक करना, जब आपका फाइनल हो जाए तो उस पर बुल ट्री पे आपको क्लिक करना और आपका मॉडल रेडी हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें और सारे कई सारे ऑप्शंस हैं, तो और सारे ऑप्शंस में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।